तो राजधानी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसे देखते हुए जयपुर शहर के कांग्रेस विधायकों ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की और जयपुर में कोरोना संक्रमण रोकने और लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान बैठक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी मौजूद रहीं, जिन्होंने जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता कर कोरोना को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने पर विचार साझा किए। वह मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना करते हुए जरूरतमंदों को खाना पानी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी आदेश दिए। सुझाव आते हैं, पूरा रिव्यू होता है, अब तक क्या किया, क्या नहीं हुआ, कैसे इसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो आज की भी मीटिंग इस मामले में हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी उनके कार्यालय में मीटिंग है, वहाँ जा रहे हैं। सबका फोकस इस बात पर है कि कैसे लोगों की तकलीफ कम से कम, कैसे हम लोगों को सुरक्षित रख सकें, कैसे एक ऐसा माहौल हम पूरी एक ऐसा फुल प्रूफ एक माहौल बना सकें जिसमें अगर किसी को कोई बीमारी हुई तो उसको कैसे हम बचा सकें, कैसे हम उसका बचाव कर सकें, कोरोना आगे नहीं फैले इसको लेके क्या होना चाहिए वो नीति बना सकें। जो लोग को आज लॉकडाउन की वजह से या कर्फ्यू की वजह से लोग फंसे हुए हैं, जिनको खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है, दूसरी आवश्यक वस्तु नहीं मिल रही, उनको हम कैसे वो आवश्यक वस्तुएँ पहुँचा सकें। आज विभिन्न अधिकारियों के साथ माननीय मंत्री महोदय, मुख्य सचेतक महोदय और विभिन्न विधायक महोदयों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें जयपुर ज़िले में कोरोना को लेकर के विभिन्न जो एस्पेक्ट है तैयारी की, उनके समझ में समीक्षा की गई है। चाहे वो असेंशियल चीज़ों की सप्लाई की बात हो या प्रिवेंशन की बात हो, हेल्थ और मेडिकल के बारे में, उन सब में डिटेल में विस्तार से चर्चा की गई और कुछ जो इश्यूज है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के बाद में एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए। मैंने सब अधिकारियों को आज मीटिंग ली थी और जयपुर की व्यवस्था को लेकर, जयपुर में सरकार की बड़ी सोच है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, हर आदमी तक रोटी पहुंचे, हर आदमी तक राशन पहुंचे, मेडिकल एड पहुंचे, कोई आदमी दुखी और परेशान नहीं हो लॉकडाउन में। ये हमारी जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी को तय करने के लिए अधिकारियों का क्या काम चल रहा है, कैसा कर रहे हैं, क्या स्थिति है जयपुर की, उस बात को लेकर आज जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं उन कलेक्टर को मैंने डायरेक्शन देकर मीटिंग रखी थी। उसी समय